आईपीएल के माहौल में अगर आपको एग्जाम से रिजल्ट की टेंशन हो तो कितनी गलत बात है, क्योंकि रिजल्ट आज आने वाला था 16 अप्रैल को यूपी बोर्ड का और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियोज़ मिलें आपको सबसे पहले। हेलो गाइस, मेरा नाम है एमके सिंह और आप देख रहे हैं अपने चैनल ऑलराउंडर एमके। दोस्तों आईपीएल मैच चल रहे हैं, आईपीएल का सीजन चल रहा है, आप भी आईपीएल के मैच देख रहे होंगे और कल के जो दोनों मैच हुए बहुत ही रोमांचक हुए हैं, विस्फोटक पारियां देखने को मिली हैं संजू सैमसन की भी और महेंद्र सिंह धोनी की भी। ऐसे इस आईपीएल के माहौल में अगर आपको एग्जाम्स के रिजल्ट की टेंशन हो तो कितनी गलत बात है, क्योंकि आप ना मैच का लुत्फ उठा पाएंगे और रिजल्ट आज आने वाला था 16 अप्रैल को यूपी बोर्ड का और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। रिजल्ट जो हमारा है यूपी बोर्ड के जो बोर्ड कमीशन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बच्चों को टेंशन पर टेंशन दिया जा रहा है। पहले अप्रैल का फर्स्ट वीक बताया, फिर 12 अप्रैल बताया, फिर 15 अप्रैल बताया, फिर 16 अप्रैल बताया। इतने दिनों में बच्चों ने जो आईपीएल के मैच देखे होंगे उनमें भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आया होगा। रिजल्ट आने के बाद अगर बच्चे मैच देखते तो थोड़ा मज़ा गया था और पास हो जाते तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता मैच देखने में। लेकिन दोस्तों अब इनके रिजल्ट की जो डेट है वैसे पोस्टपोन्ड हो गई है। अब यूपी बोर्ड का कहना है कि हमारा जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 20 अप्रैल को होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20 अप्रैल को रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे, इनका रिजल्ट वही 30 अप्रैल तक या मई के फर्स्ट वीक तक जाएगा। दोस्तों अगर आप भी रिजल्ट की तरफ से टेंशन में है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, आराम से मैचों का लुत्फ उठाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे आईपीएल में मैच हो रहे हैं, अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ है जो रोमांचक ना हुआ हो, सारे के सारे मैच रोमांचक हो रहे हैं। और ज़रूर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी टीम कौन सी फेवरेट है और आप किस टीम को आईपीएल जीतते हुए देखना चाहते हैं इस बार, कि कौन सी टीम इस बार आईपीएल की स्ट्रॉन्ग लग रही है। हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में एक वीडियो जरूर बनाएं कि कौन सी टीम इस समय आईपीएल उठा सकती है। दोस्तों और अगर आप टेंशन में हैं कि मैं हाईस्कूल के बाद क्या करूँगा, हाईस्कूल के बाद मुझे क्या करना चाहिए, 10th में पास जाऊँगा तो मैं कौन सी स्ट्रीम लूँगा, तो हमारे जो इस वीडियो की एंड स्क्रीन है बिल्कुल लास्ट में जाकर के आपको वहाँ एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है कि आप 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अब टेंशन नहीं लेंगे रिजल्ट की, और रिजल्ट आप 30 तारीख में जब भी आ जाएगा उसकी फिक्र आपको नहीं करनी है, उसकी फिक्र बोर्ड को करने की हमें रिजल्ट कब देना है, क्योंकि आपने जो करा है वही आपके सामने आना है। रिजल्ट कहीं से घट बढ़ के तो आएगा नहीं, जो आपने करा होगा उसी की मेहनत का फल आपको मिलेगा। और वैसे भी रिजल्ट इस बार बहुत बेकार आना है, क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिए थे, तो इस वजह से हो सकता है कि आपके लिए मार्किंग इजी भी हो जाए। तो आपके लिए राष्ट्रीय खबर है कि आपके लिए मार्किंग इजी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रिजल्ट टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।